राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा कैंपेन तैयार कर चुकी है और उसकी एक झलक आज जयपुर के वीटी रोड स्थित जो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा पंडाल लगा हुआ है, वहां भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम है कि पंचायत प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह है। गुजरात चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह का ऐलान किया था कि अब राजस्थान में वो अपनी टीम का ग्राउंड लेवल पर विस्तार करेगी, उसके बाद में यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और लगातार आम आदमी पार्टी ने ग्रास रूट पर जाकर अपनी एक टीम तैयार की है और उन टीम के लोगों का, उन पंचायत प्रमुखों का आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह है। आप यहाँ देख सकते हैं एक अलग से विंग बनाई हुई है और बहुत सारे लिफाफे हैं उसमें विधानसभा क्षेत्र के नाम लिखे हुए हैं। जैसे कि मैं सामने देख पा रहा हूँ, मालपुरा का लिफाफा मेरे सामने रखा हुआ है, गोविंद सिंह करके कोई प्रभारी है वहां के, और पंचायत स्तर पर जाकर लोगों को जिम्मेदारी दी है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में समर्थन में माहौल तैयार किया जाए। हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, नागौर की ये कार्यकारिणी है, नागौर के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पंचायत स्तर पर जाके, क्योंकि हर पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बना रही है, कांग्रेस इंटरनल सर्वे करवा रही है, उसी के सिमिलर आम आदमी पार्टी की कैसी तैयारी है ये हम जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह राठौड़ नाम है मेरा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ नागौर से। हाँ जी जी, तो ये जो कैंपेन है आज पंचायत प्रमुखों का शपथ ग्रहण समारोह है, इतने कम टाइम में गुजरात चुनाव के बाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी टीम बनाना शुरू किया था और लगातार किस तरह से काम किया, पूरे राजस्थान को कवर कर लिया है या फिर बाकी कोई काम? देखिए ये है कि हमारी राजस्थान की जनता जुड़ना भी चाह रही थी, उनको एक मौका चाहिए था और मौका यहाँ सभी लोगों को मिला। अभी हमारे जो आज शपथ ग्रहण समारोह है वो सर्किल इंचार्जों का है, सर्किल इंचार्ज के एक सर्किल के नीचे पांच गांव आएंगे, पांच गांवों में वो अपनी डोर टू डोर टीम बनाएंगे। उससे ऊपर पहले उनको ब्लॉक अध्यक्ष का भी निर्वाचित हो चुके हैं, वो भी पहले पिछली बार शपथ ग्रहण ले चुके हैं, उससे पहले हमारी जिला कार्यकारिणी बन चुकी थी, लोकसभा अध्यक्ष भी है हमारी टीम में, जिला अध्यक्ष भी है, जिला महासचिव है, यूथ लगभग टीम तैयार हो चुकी है, पूरी टीम तैयार हो चुकी है। अब हमें वार्ड टू वार्ड करना है, गाँव में जो वार्ड होते हैं, बीजेपी जिस तरह से पन्ना प्रमुख बना रही है उसी की तर्ज पर? नहीं, वो उनका पन्ना प्रमुख वो छोटा प्रमुख है, वो हमारा सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है। वो पन्ना प्रमुख बनाती है सिर्फ चमचागिरी करने वालों को, हमारे यहाँ जिस सिस्टम से बनाया जाता है, हम लोगों को देखते हैं जो संघर्ष कर रहा है, जो धरातल पे काम कर रहा है, डोर टू डोर जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, जनता के लिए लड़ रहा है, हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, उस व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है। और ये जो आपने पंचायत प्रमुख बनाए हैं इसमें किस तरह का काम किया है, क्या ग्राउंड पर जाकर आपने लोगों से संपर्क किया है, लोग जुड़ना चाहते थे या फिर वो लोग आए हैं? ये जो पन्ना पर जो सर्किल इंचार्ज जो बने वो लोगों ने डोर टू डोर अपनी पांच गांवों में अपने सदस्य बनाए और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाए। क्या काम दिया जाएगा इनको? इनको अब दिया जाएगा डोर टू डोर, हर जो इनके पांच गांव आएंगे, पांच गांवों में एक एक प्रमुख बनाना, उनके बाद उनके नीचे वार्ड प्रमुख बनाना, ये उनका कार्य रहेगा। हम डोर टू डोर से नीचे भी कोई टीम बनाई जाएगी? नहीं, वार्ड प्रमुख होगा, वार्ड बंच होता है गांव में, उसी हिसाब से एक वार्ड प्रमुख भी होगा, बूथ वाली भी। नागौर जिला अध्यक्ष जिंदाबाद। नागौर जिला अध्यक्ष जिंदाबाद। पूरी पब्लिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों से त्रस्त है, आम आदमी महंगाई की मार से मर रहा है, इसलिए पंजाब और राजस्थान और गुजरात में भी बहुत अच्छी वोटिंग हुई है, राजस्थान में भी बहुत स्पीड से आम पार्टी अपने पैर पसार रही है। आप कौन सी जिम्मेदारी पे हैं? मैं किशनगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष। किशन क्या नहीं है आपको कंफर्म कर रहे हैं? नवनियुक्त है, नवनियुक्त नियुक्त है, आज शपथ ग्रहण है, आज ही है। मैं किशनगढ़ अध्यक्ष पप्पू अग्रवाल, राजस्थान के अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जगह दिल्ली और पंजाब के काम को देखते हुए आम आदमी पार्टी राजस्थान में भी वैसा ही काम करना चाह रही है, आम आदमी गरीब आदमी उससे जुड़ना चाह रहा है, बीजेपी से सब त्रस्त हो चुके हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, केजरीवाल जी के काम से पूरा हिंदुस्तान खुश है और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसको बना रहे हो मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री चेहरा कौन है आम आदमी पार्टी का? कोई बड़ा चेहरा नहीं है राजस्थान में। मेरी बात सुनिए आप पूरी, पंजाब में चुनाव हुआ था, घोषणा कर दी थी कि भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, राजस्थान में ऐसा कोई बड़ा चेहरा फिलहाल आम आदमी पार्टी के पास? ऐसा है, जल्दी इसकी घोषणा कर दी जाएगी, हमारे चीफ केजरीवाल जी इसकी करेंगे, पर पहले कितनी वोटिंग ज्यादा से ज्यादा होती है उस पर पूरा ध्यान है आम आदमी पार्टी का। और तीसरे मोर्चे पूरे हिंदुस्तान में तीसरी राष्ट्रीय पार्टी उभर कर आई है, सबसे ज्यादा वोटिंग आम आदमी की पार्टी के पक्ष में हो रही है। क्या नाम है सर आपका? रामनिवास ढाका, नागौर से, ब्लॉक अध्यक्ष P2।
आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी तक पहुंच रही है, और आम आदमी, हम गांव में जाते हैं, मैं गांवों से बिलोंग करता हूं, लोग चुंबक की तरह हमारी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। पहले क्या मुद्दे लेके जा रहे हो आप लोगों के बीच? ये लेके जा रहे हैं कि एक डकैत है, एक चोर है। इन डकैत कौन है और चोर? डकैत बीजेपी है, चोर कांग्रेस है, बरसों से चोरी करती आ रही है। और आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी स्पष्ट ईमानदार पार्टी है। मेरा 20 साल 30 साल का जीवन रहा, मेरी सीआईडी इंटेलिजेंस लगवा के देख लीजिए, कभी जीवन में कोई भ्रष्टाचार होता हुआ हो तो? मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो सब अधिकारियों के षड्यंत्र थे। आपको बताता हूँ इसकी ओरिजिनलिटी, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों जो केंद्र सरकार की इशारे के ऊपर, उन्होंने क्या किया कि इनको कैसे घेरो, तो सिसोदिया जी ने विश्वास किया उन अधिकारियों पे और सिस्टम उनको संभाला दिया, उन्होंने उस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया। हमारी जो पार्टी के अंदर जितने भी है, केजरीवाल जी बख्शते नहीं, केजरीवाल जी अगर मैं दोषी हूं तो मुझे भी अंदर डलवा देंगे। तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी जुड़ा आप हुआ तो ग्राउंड लेवल पर काम करते हो, कैसा माहौल है आम आदमी पार्टी के लिए? बहुत अच्छा। लोगों में किस तरह लोग तीसरा विकल्प, मतलब लोग उब गए, मतलब बीजेपी कांग्रेस मतलब अच्छी तरह से उब चुके हैं। अब उनके भावना यही है कि जहां तक वो तीसरा विकल्प हर आदमी को चाहिए। 50% पब्लिक का रिपोर्ट ये है, 50% एक तरफ है, 50% पब्लिक ये चाह रही है कि तीसरा विकल्प चाहिए। अब उसके साथ और भी आ जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सदेक मणियार, रतनगढ़ से हूँ मैं, जिला चूरू राजस्थान सर्कल प्रभारी हूँ। तो अब की बार है जनता से मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर और केजरीवाल जी को विजय बनाए, अगर पार्टी खरी और सच्ची। अल्पसंख्यकों के लिए किस तरह के मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी के? आम आदमी पार्टी के अंदर मैं यही कहता हूँ कि इसके अंदर आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ आदमी है, तो अनपढ़ आदमी को प्यार से उसको समझाएंगे, उसमें दिल पे विश्वास। मैं अल्पसंख्यकों के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के पास अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किस तरह के मुद्दे हैं? भाजपा टिकट नहीं देती है अल्पसंख्यक, बहुत कम टिकट देती है। अल्पसंख्यक की टिकट की बात नहीं है, टिकट चाहे किसी के। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखो मैं वैसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कमी मैं भी खुद छठी पास हूँ, जो तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये चीज नहीं बता सकता। मैं यही कहता हूँ कि अगर एक आदमी एक पार्टी में जुड़ता है तो उसके जो भी साथी है, रिश्तेदार है, परिवार है, तो वो एक आदमी जुड़ गया तो उसका मतलब 20 आदमी जुड़ेंगे वो, क्योंकि वो 20 आदमी में कोशिश करेगा, कोशिश करने से विश्वास दिलाएगा, और 20 आदमी जुड़ेंगे तो 200 आदमी फिर एक आदमी से 20-20 करके 400 आदमी बनेंगे। तो इसी तरह जैसे सांकल से कड़ी जुड़ती जाएगी, और जुड़ते जुड़ते है ना, तो क्या कि एक जो सांकड़ बन जाती है और कड़ी बन जाती है। और अब की बार यही कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर, जैसे दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है उतना सच्चाई और ईमानदारी से दोनों पार्टियों ने नहीं किया है। और अभी भी मैं यही कहता हूँ कि राजस्थान के अंदर भी एक बार जनता इस पार्टी को मौका देकर और अब की बार केजरीवाल जी को विजय बनाए आम आदमी पार्टी के। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह डाबड़ा। आप सचिव है जिला यूथ विंग जिला? कौन सा जिला है आपका? मैं नागौर जिले से हूँ। नागौर जिले सर, क्या मुद्दे हैं, कैसा माहौल है नागौर जिले में, आपने काम किया है? सर माहौल अच्छा है, यूथ का जुड़ाव ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा देखो एक कहीं कहीं एक वोटों की माफियागिरी जरूर है। माफियागिरी इस हिसाब से है कि कांग्रेस बीजेपी वाले जिस हिसाब से अपने बाहुबल से या धनबल से लोगों को दबा के रखते हैं, या फिर अपनी राजनीतिक पावर से जिस हिसाब से लोगों के काम नहीं होने दे रहे हैं, तो इस हिसाब से वो चेहरे एकदम सामने। नागौर में तो हनुमान बेनीवाल नागौर की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, और उनकी जो नजदीकियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई, अभी हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन कर रहे थे, हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचते हैं, भगवंत मान से एक मीटिंग करा के तुरंत सॉर्ट आउट करवा देते हैं। क्या लग रहा है कि कोई गठबंधन होने जा रहा है हनुमान बेनीवाल? पहली बात तो आपको मैं बता दूं, हनुमान बेनीवाल जी नागौर के नहीं, वो सिर्फ खींवसर के सांसद है, सांसद है नागौर, और खींवसर के वो दायरा उनका है। दूसरी बात है किसान वो अकेले समुदाय के नहीं है, किसान हर बंदा वो किसान है जो खेत से जुड़ा है, वो बंदा यहाँ दिखने वाला हर बंदा कोई व्यापारिक वर्ग से नहीं है, यहाँ हर बंदा जो दिख रहा है वो आपको किसान वर्ग का ही है, हर एक छात्र वर्ग से है ये। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो एक नेता ही किसान है, यदि किसान होता तो किसान दिखाइए। आज यहाँ पे आप देखिएगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसान होते हैं नहीं पहुँच पा रहे, उनकी मजबूरी है अभी इस आंधी अंधड़ में जिस हिसाब से ये जो। तो फिर क्या हनुमान बेनीवाल के साथ मिलके चुनाव लड़ोगे या नागौर में ही चैलेंज मिल जाएगा आम आदमी पार्टी को हनुमान बेनीवाल से? देखिएगा ऐसा, वैसे तो ये बहुत बड़ी ऊपर वाले संगठन की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं हनुमान बेनीवाल जरूर आम आदमी पार्टी से लड़के चुनाव लड़ सकता है, बाकी आम आदमी हनुमान बेनीवाल साथ चुनाव। लगातार मीटिंग्स हो रही है,
अरविंद केजरीवाल से, भगवंत मान से मीटिंग्स जो हो रही है वो हो सकती है, चर्चा है भीतर खाने में। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ इस मुद्दे पे कि हो सकता है उनको कोई नजरिया आम आदमी पार्टी में नजर आ रहा होगा, हो सकता है वो खुद ही कल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम आदमी आपके अकेले दल पे अपने 200 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी और उनका खुद का मुद्दा रहेगा। पाठक जी क्या नाम है भाई साहब? त्रिवेंद्र पाठक, मैं अजमेर लोकसभा अध्यक्ष हूँ जी। अजमेर तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं 31 तारीख को। बिल्कुल आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसा माहौल है अजमेर में? सचिन पायलट अजमेर से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है राजस्थान में, उसका जो आरपीएससी का हेडक्वार्टर है वो अजमेर में है। अजमेर लगातार चर्चित है राजस्थान में। बिल्कुल चर्चित है। ऐसा काम है आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का अजमेर की जनता पूरा समर्थन कर रही है। अभी मैं लगातार 6 दिन धरने पे रहा और जो स्थितियां हैं वो मैं बता दूं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के कार्यकाल में, हमारे यहाँ तो भाजपा से 20 साल से विधायक है लगातार, और कांग्रेस का शासनकाल भी इन 20 सालों में 10 साल रहा है और हमारे विधायक मंत्री रहे हैं। ठीक बात है। उसके बाद अजमेर का जो एक संभाग स्तरीय अस्पताल है, क्योंकि हम संभाग मुख्यालय हैं, संभाग स्तरीय हॉस्पिटल है, उसकी हालत बहुत खराब है। पंखे नहीं है उसमें, एसी के मेंटेनेंस के ठेके 2-2 साल से नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा सफाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे, स्कूलों का स्तर गिरता जा रहा है। अजमेर शिक्षा के दृष्टि से राजस्थान में नंबर 1 पे था और हमारे यहाँ से कांग्रेस और भाजपा ने 2 शिक्षा मंत्री अजमेर से लिए हैं, वासुदेव देवनानी और नसीम अख्तर इंसाफ। उसके बाद शिक्षा का दृष्टिकोण से अजमेर आज राजस्थान में भी कहीं नंबर पे नहीं है, जबकि एक जमाने में भारत में नंबर 1 पे था। तो ये स्थितियां जो भाजपा और कांग्रेस ने पैदा की है, अजमेर की जनता इन चीजों को समझ रही है और राजस्थान की जनता इन चीजों को समझ रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो क्या शिक्षा मंत्री अजमेर से बनेगा? तय है नहीं, जरूरी नहीं है अजमेर से बने, जो योग्य होगा वो शिक्षा मंत्री बनेगा। और निश्चित रूप से अजमेर का जो राजस्थान का जो भी शिक्षा मंत्री बनेगा वो राजस्थान में दिल्ली मॉडल को और पंजाब मॉडल को फॉलो करेगा। और राजस्थान ने एजुकेशन को लेकर राजस्थान सरकार के भी बड़े दावे हैं। महात्मा गांधी जो मॉडल स्कूल है उसका बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लगातार उसकी पॉलिसी को सुधारा जा रहा है। तो लगता नहीं है कि एजुकेशन के मुद्दे पर कहीं ना कहीं कम स्पेस है आम आदमी पार्टी? आप ये बताइए कि एजुकेशन के मुद्दे पर केवल लिख देने से कि महात्मा गांधी मॉडल स्कूल वो मॉडल नहीं बन जाता साहब, उसके लिए इंग्लिश मीडियम करने के लिए इंग्लिश मीडियम टीचर्स भी चाहिए, उनकी बिल्डिंग्स को भी ठीक करनी पड़ेगा। ना तो बिल्डिंग ठीक हुई, हिंदी मीडियम वाले मास्टर जाके वहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या शिक्षा दे पाएंगे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को? आम आदमी पार्टी कहाँ से लाएगी अंग्रेजी के मास्टर? अंग्रेजी के मास्टर अलॉट किए जाएंगे और अजमेर में जो राजस्थान में जो टीचर्स अभी राजस्थान में जो टीचर्स भर्ती हुई थी वो हिंदी मीडियम में हुई, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के हमारे यहाँ स्कूलेज नहीं थे। तो उनमें से इंटरव्यू करके जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको इंग्लिश मीडियम में भेजा जाएगा, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको हिंदी मीडियम में रखा जाएगा, जरूरत पड़ने पर इंग्लिश मीडियम की और भर्तियाँ की जाएगी। ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी करेगी और करती आ रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के ये कुछ कार्यकर्ता थे, सभी को आम आदमी पार्टी में कुछ ना कुछ दायित्व मिला हुआ है। इन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी टीम खड़ी हो चुकी है, पंचायत स्तर तक जाकर आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दों को लोगों को समझाया है और वहां से जाके हर पंचायत स्तर पर एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है। और आप यहां देख सकते हैं कि किट तैयार की गई है पंचायत प्रमुखों के लिए। यहाँ पर पूरा एक स्टॉल लगा हुआ है, नागौर का ये एक कार्टन है जिसमें पूरा ये भरा हुआ है, नागौर लोकसभा क्षेत्र का है और सभी पंचायत प्रमुख हैं, उनका नाम इस पर पर्ची लगाई हुई है। इसमें क्या क्या सामान है भाई साहब? सर्किल इंचार्ज है, इसमें स्टिकर है बाइक का, पोस्टर है, कैप है और इस उनका विजिटिंग कार्ड है, शपथ पत्र है, इस प्रकार से परिचय पत्र है, ये सारा मतलब किट है आज यहाँ पर दी जाएगी, दी जाएगी आपको शपथ। तो आपने देखा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी किस स्तर तक तैयारी कर रही है, क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद में एक बड़ा चैलेंज था कि आम आदमी पार्टी क्या राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी टीम खड़ी कर पाएगी या नहीं। लेकिन ये आज का कार्यक्रम इस बात की बागनी है कि पंचायत स्तर तक जाके आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकेंद्र चलाना।